feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. लैपटॉप वाले का कमरा दिखाएंगे आज आपको रूम टूर 300 के स्पेशल। और ये हमारे चैनल का चौथा स्टूडियो टूर है। पहला हमने 1000 पे किया था, दूसरा हमने 25,000 सब्सक्राइबर्स पे किया था, तीसरा 1 लाख पे किया था। 1 लाख वाला भाई जरूर देख लेना, उसके अंदर मैंने सारा बताया हुआ कि कैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, क्या कुछ होता है पूरा दिन मेरे स्टूडियो में। तो वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्टूडियो टूर है, और ये वाला ऐसा है कि नया स्टूडियो तो चीजें हैं, और प्राइसिंग का इतना नहीं बताने वाला। कोई चीज स्पेसिफिक आपको लगे कि भैया ये क्या था वो क्या था, तो मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई अभी पिछली कुछ वीडियो से आप हमारा ये वाला स्टूडियो देख रहे हो, कभी आपने इस एंगल से वीडियो बनती हुई देखी है, कभी इस एंगल से, कभी इस एंगल से। और बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं भाई ऐसा कितना बड़ा स्टूडियो है, मतलब क्या ही चल रहा है इसके अंदर, अलग अलग बैकग्राउंड, कितने कमरे हैं। भाई एक ही लंबा सा हॉल है और इसी के अंदर हम डिफरेंट बैकग्राउंड चूज करते रहते हैं। तो स्टार्टिंग कर लेते हैं उस कोने से जहां से एंट्री हुई थी, आ जाओ। और हमारी बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल नाउ, वैसे तो मतलब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, बट एक बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट करी है मैंने अभी में। वैसे काफी लोगों ने आइडिया लगा लिया है, बाकी जिन्होंने नहीं लगाया है उनको भी वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो कुछ यहाँ से एंट्री है हमारी, और ये टॉप फ्लोर पे है। और हाँ, स्टूडियो चेंज करने का रीजन ये है भाई, पुराना स्टूडियो छोटा पड़ रहा था हमारे को। तो ये वाला जो स्टूडियो है ये हमने रेंट पे लिया है, और ये टेम्परेरी बेसिस पे ऑब्वियसली, तो हम इसको चेंज कर देंगे कुछ टाइम बाद, एंड जो होगा आगे वो तुम्हारे को अपडेट देते रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है। इधर आपने देखा होगा PS4 वाली वीडियो बनाई थी हमने, PS4 वाली वीडियो इसी कॉर्नर पे शूट करी थी। ये मेरा कंसोल सेटअप है पूरा, एंड ये मेरी दो अलमीराज हैं, इसके अंदर हमारा सामान वामान रहता है जो हम रिव्यू कर देते हैं या करने वाले हैं जो भी है। एंड एक हमारी टेबल है, इसके ऊपर हमारे सारे लैपटॉप्स पड़े हैं अपकमिंग जो आने वाले हैं, या फिर हो सकता है इसमें से किसी का रिव्यू पोस्ट हो भी गया हो, तो वो तो पता है ना, तुम सब्सक्राइब नहीं कर रखा क्या, सब्सक्राइब मारो। एंड ये थोड़ा हमारे प्रॉप्स वगैरह पड़े हैं, और कुछ वीडियोस का सामान है, कुछ लाइटिंग सेटअप है जो हम वीडियो में यूज करते रहते हैं, ठीक है। और क्या क्या रहेगा सर, और जैसे कि स्टूडियो से पता लग रहा होगा इसमें थोड़ी सी लाइटिंग कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन पूरा लिटअप था, वो इन लाइट्स की वजह से। ये लाइट्स मैंने वहां से उतरवा के मंगवा ली है, अब ये लाइट्स हम इस स्टूडियो में लगवाएंगे तो ये भी एकदम चकाचौंध हो जाएगी जिंदगी। उसके बाद ये हमारा वॉशरूम है, और यहाँ पे हमारे वॉशरूम के अंदर हमने ग्रीन स्क्रीन रख रखी है। उसके बाद हमारा कुछ ऐसा स्टूडियो है, अगर आप इसको वाइड एंगल फ्रेम में देखोगे तो वो सिस्टम है जो आपने देखा होगा वीडियोज में, और ये वो पर्दे हैं जिसके ऊपर हम दूसरे वाला शूट करते हैं, जो हमारा ये वाला एंगल नहीं होता, इसके अंदर ऐसे लाइट्स लगी होती है पीछे। और ये हमारी वही वाली वाइट डेस्क है जिसके सामने खड़े होकर हम वीडियो बनाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, सब कुछ है। और ये हाइट एडजस्टेबल वाली है, इसकी वीडियो है चैनल पे, आप देख सकते हो। और आप इधर नोटिस कर रहे हो कोई भाई साहब बैठे हैं क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया भाई साहब, सब्सक्राइब बढ़ा दो यार ये मेरा भाई है भाई, शक्ल से पता लग रहा होगा, चश्मे लग रखे दोनों तो इसका भी चैनल है एक्सपोनेंशियल वर्ल्ड नाम से, और गेमिंग वाली ऑडियंस जानती है, गेमिंग चैनल पे हम दोनों फुल फेमस है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गेमिंग चैनल। देखो सीन ऐसा है, ये हमारा कॉमन स्टूडियो है मेरे ब्रदर और मेरा, और यहाँ पे हम पूरा दिन वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं, और ऐसी है मतलब पूरा दिन मस्ती चलती रहती है यहाँ पे। कभी हम PS5 पे गेम खेल रहे होते हैं, कभी यहाँ पे हम, समझ रहे हो ना। ये आपको फनी चीज बताऊं, ये अभी तक पुराने स्टूडियो में शूट हुई थी वीडियो, आज भी एडिट करने जा रहा है, इस पे टाइम नहीं है एडिट करने का, ये इतने काम है भाई के पास। चार्ट दिखाओ सर, ये देखो अभी मार्केट चल रही है और यहाँ पे फुल पैसा छापा जा रहा है। और ये देखो ये ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, ये इनकी वेबसाइट है, कोर्स बेच रहे हैं, मतलब इसके यूट्यूब चैनल से जज नहीं करना, इसके चैनल पे वैसे तो 2500 सब्सक्राइबर है भाई की, मतलब बातचीत बहुत लंबी लंबी है, वो जब इनसे जुड़ोगे ना तो पता लग जाएगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब फुल पारस, पेमेंट आ जानी चाहिए, पूरा प्रमोशन हो गया, ठीक है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना भाई के चैनल पे, 9:30 बजे पहुंच जाना। और गेमिंग चेयर भाई साहब एक नहीं, 5 गेमिंग चेयर, एक ये रखी है, 2 वो रखी है, 1 वहां रखी है, कमी नहीं है, हम थोक विक्रेता है गेमिंग चेयर के। तो यहाँ पे कुछ हमारा स्टैंड है, इसके ऊपर प्रॉप वगैरह रखे हैं, तो ये वीडियो में काम आ जाता है बैकग्राउंड बनाने के लिए। और जो लोग पूछते हैं ना गेमिंग चैनल पे वेबकैम का क्या सीन है, हम मोबाइल को वेबकैम बना लेते हैं, 1+6 है ये, फोन को कैसे वेबकैम बनाना है इसके एक वीडियो बना रखी है मैंने, वो आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ तो अभी टाइप कर ले सारा कुछ, मैं ना बोलूं बीच में, कट 2 मिनट रुक जा, कह रहा बोल फिर टाइप कर जा रहा, पागल वागल लग गया तू। उसके बाद ये आ जाता है मेरा सेटअप, ये हमारी 2 मेन लाइट्स हैं, एक हमारी रिंग लाइट है कोडेक कंपनी की, ये 5000 की ली थी मैंने, और एक हमारी ये मेन लाइट है गोडॉक्स SL60W, ये हमारी 8000 की लाइट है, और लगभग 3500 का इसके ऊपर का सॉफ्ट बॉक्स है, तो कुछ ऐसा सेटअप बनता है। और इस लाइट का फायदा क्या है, देखो मेरे चेहरे के कितने करीब है, यहाँ से सिर्फ 1 फुट की दूरी पे, तब भी काफी सॉफ्ट लाइट आती है, जो तुम कहते हो ना वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हुई है वो इसकी वजह से भी हुई है। और बाकी देखो तुम्हें टाइटल पढ़ लिया, एक महंगी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, अभी बने रहो। एंड भाई ये आ गया मेन सेटअप, सीट कुर्सी को उधर, इस कमरे में तुम जो भी देखोगे ना 99% आइटम का रिव्यू मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मेन डेस्क पे हमारी, जो अभी हमने रिसेंटली रिव्यू करी है, कॉस्मिक बाइट की डेस्क, जो मैं अभी प्रेजेंटली यूज कर रहा हूँ, और जो भाई यूज कर रहा है मेरा वो भी कॉस्मिक बाइट की डेस्क है, इसका रिव्यू है चैनल पे आप देख सकते हो। और एक हमारी ये लाइट है, ये हमने अमेजोन से ऑर्डर करी थी, 2500 की थी, पीछे जो ब्लू लाइट देख रहे हो ना और जो उधर वो आप रेड लाइट देख रहे हो, ये ऑफलाइन मार्केट से ली थी, 200 रुपए की आ जाती है, मल्टी कलर वाली नहीं है, सिंगल कलर है। और ये मेरा सच्चा प्यार वाला लैपटॉप, जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो इसी लैपटॉप से शुरू किया था, ये मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ लैपटॉप है, मैं बिजनेस करता था पहले क्यों
बनने वाली वीडियो देख लेना तो उससे आपको पता चल जाएगा। एंड उसके बाद जो भी लिया है वो स्टूडियो में है, बट सबसे पहले ये लिया था। बस और क्या बताना रह गया, सब कुछ तो बता दिया मैंने आपको। यस, रूम का थोड़ा इधर उधर का पोर्शन आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये हमारा टॉप फ्लोर पे है। अब टॉप फ्लोर पे है तो ऑब्वियसली हम साइडों में कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे कितनी वाहियात बात बोली ना मैंने, ये हमारी फैक्ट्री है। आजा, इसको फैक्ट्री का नाम पता मैंने क्यों दिया? यहाँ पे एसी का एग्जॉस्ट लगा हुआ है और भाई फुल ऑन गर्मी लगती है यहाँ पे बाहर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डब्बे वब्बे पड़े हुए हैं चारों तरफ। जो भी रिव्यू के लिए आते हैं आइटम उसका डब्बा बाहर रख देते हैं, या जो रिव्यू करनी है उसके डब्बे भी यहाँ रख देते हैं, जो बड़े वाले डब्बे हैं, छोटे अंदर ही ठीक है। एंड एक यहाँ पे हमारी बालकनी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाओ फटाफट आ जाओ। सर कहाँ रह गया? कुछ शॉट्स आपने मेरे यहाँ पे देखे होंगे, जो बी रोल वगैरह है वो इसी बालकनी में हम ले लेते हैं। कुछ इतनी चौड़ी बालकनी है, बस जब शाम को टाइम पास करना हो यहाँ जाते हैं हम। फुल मस्ती। अब जो हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। मेरा ये वाला कैमरा है, ये है कैनन का M50 जिससे मैं पहले वीडियोस बना रहा था। मैं इससे भी अब भी बना रहा हूँ, बट ये सेकेंडरी कैमरा की तरह काम आता है। प्राइमरी कैमरा मेरा चेंज हो गया है। जो बहुत टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि कैसे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हुई। पहले हम OnePlus 7 Pro से वीडियो बना रहे थे, फिर हम इस पे शिफ्ट हुए, उसके बाद हमने इसके साथ साथ लाइटिंग को इंप्रूव किया, बहुत सारी चीजें हुई और क्वालिटी को डे बाय डे इंप्रूव करें। फिर इसमें मैंने लेंस भी लगाया था, पहले इसका मैं किट लेंस यूज कर रहा था M50 का, फिर मैंने सिग्मा का 16mm लिया जो हमारा F1.4 वाला है जिसमें बोके वगैरह बढ़िया बनता है, वो लेंस लिया मैंने। फिर मुझे लगा क्वालिटी में थोड़ा अपग्रेड होना चाहिए क्योंकि अब बढ़िया एकदम सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, प्यार पूरा दे रहे हो तुम। फिर हमने अभी रीसेंट इन्वेस्टमेंट की है A7S3। ये इकलौता कैमरा 3 लाख का सिर्फ कैमरा है। एंड ये कैमरा मैंने सोच तो लिया लेने के लिए, पर जब बाद में सामान खरीदने लगा मैंने कहा तो बहुत महंगा हिसाब किताब है यार। और इसके साथ हमने इसका लेंस लिया है 28mm का F2 जिसका 30,000 का लेंस है। और उसके बाद इसका जो मेमोरी कार्ड है हमने 160GB का मेमोरी कार्ड लिया है जो कि हमारा 30,000 का मेमोरी कार्ड है इसी कैमरा का। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, 4K 60 रिकॉर्ड करवाता है विदाउट एनी क्रॉप, इवन 4K 120 रिकॉर्ड करवाता है। ये बिल्कुल सिनेमा टाइप वाला कैमरा है और इवन यूट्यूब इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो सब A7S3 यूज करते हैं। तो तुम्हारे भाई ने पहले अपग्रेड कर लिया, मैंने कहा 5-10 साल छुट्टी। एंड जिसकी लेंस की बात आती है भाई, थैंक्स टू राकेश भैया जिन्होंने मेरे को सजेशन दिया। पहले मैं जो लेंस लेने वाला था बहुत महंगा लेने वाला था, फिर मेरा 30,000 में काम हो गया और काफी अच्छा खासा बुके भी बन जाता है पीछे और बढ़िया एकदम क्वालिटी भी मिल जाती है। एंड अब जो ये वाला पार्ट है ना, इसके लिए आप या तो 4K पे कर लो वीडियो मेरी या फिर आप बड़ी स्क्रीन पे देखो तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। मैं दोनों कैमरा में आपको डिफरेंस दिखाता हूं। अब जो पूरी वीडियो शूट हुई है वो A7S3 शूट हुई है, अब M50 से शूट हो रही है। M50 की क्वालिटी है, नहीं समझ में आ रहा, ये A7S3 की है, ये M50 की है, तो कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है एक 1080p वाले कैमरा में और एक 4K कैमरा में, ये आपको बड़ी स्क्रीन में पता लगेगा क्योंकि जो शार्पनेस है ना वो इंक्रीज हो जाती है और काफी डिटेलिंग आ जाती है वीडियो में। तो भाई ये तो हो गया रूम टूर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट इंसान से मैं आपको मिला दूं जिसकी वजह से काफी चीजें इंप्रूव हो पाई हैं, जैसे कैमरा सिलेक्शन हो गया मेरा या लाइटिंग सिलेक्शन हो गया, बी रोल्स हो गया। आपने देखा होगा हमारी वीडियो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है, वो मेरे कैमरामैन कम एडिटर कम दोस्त उसकी वजह से है। कैमरा दिखाओ सर, ये आपने बहुत वीडियो में देखा होगा अंडरटेकर भाई, ये इसका नाम है अमन। अरे यार शकल तो दिखा दे भाई। ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। ये बेसिकली हमारा सिनेमाटोग्राफर है और ये गिटार भी बजाता है, तो इसने अपनी लुक ना थोड़ी वैसी बना रखी है। ये अपने आप को मजदूर मानता कि भैया मैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ पे फुल एकदम दोस्तियारी की तरह रहते हैं, कोई काम वाम वाला सा सीन नहीं है। ये खुद अभी 2 बजे सो के उठा है तब जाकर रूम टूर बन रहा है। वीडियो बनाओ दिहाड़ी कमाओ। अभी तो मेरी टोटल 2 ही बंदों की टीम है, एक मैं हूँ, मतलब टोटल 3 हो गए, मैं मेरा ये एडिटर प्लस सिनेमाटोग्राफर और एक मेरा थंबनेल आर्टिस्ट है, जो मेरे थंबनेल देख रहे हो आप वो वही बनाता है, उसका इंस्टा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी बनवाना हो तो आप देख सकते हो। उसका नाम है वेदांत और वो अजमेर में रहता है, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था। एंड कुछ एक दो एडिटर्स और भी हैं जो गेमिंग चैनल की वीडियो एडिट करते हैं। तो यही था रूम टूर, कुछ चीजें शायद मिस हो गई होंगी, जो मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा जो भी बताना होगा। एंड बाकी बस यही था, अच्छा लगा स्टूडियो, अच्छा लगा मैं, अच्छा लगा कैमरा अपग्रेड। तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो पहली बार आया तो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।